हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल और एमएस वर्ल्ड की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने होम टैब के दो ग्रुप देखे थे, जो कि था आपका फॉन्ट और पैराग्राफ, आज हम लोग इंसर्ट टैब में देखेंगे टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं और पिक्चर है या शेप है या स्मार्ट आर्ट चार्ट, ये सब कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं टेबल। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है टेबल बनाने के लिए, तो टेबल सिंपली आप ऐसे सेलेक्ट करके नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ इंसर्ट टैब में आएंगे, टेबल में आएंगे और टेबल के बाद आपको जितने रो और कॉलम की टेबल चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, दो कॉलम हो गया, दो रो हो गया, तीन कॉलम हो गया, तीन रो हो गया, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको जितना करना है, जितने रो कॉलम चाहिए नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे, सिंपली ड्रॉ टेबल पे आएंगे और फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं और टेबल बन भी जाएगी आपकी। ड्रॉ टेबल है, इरेज करना है, इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ था, मैन्युअली ड्रॉ हुआ था। बाकी आपको मान लीजिए जितना भी करना है, मान लीजिए हमने कहा कि थ्री रो और दो कॉलम, तो एक रो, दो रो, तीन रो और दो कॉलम बन गया। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है, और घटा भी सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अब जैसे ही आप इंसर्ट टेबल करेंगे तो एक ये लेआउट का टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आप लोग देखिए अलग अलग फॉर्मेटिंग है, जैसे इंसर्ट एबव, जैसे कि एक्सेल की क्लास में था। अब ये क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर एक इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, अब इंसर्ट बिलो, इसके नीचे हो गया, जिसमें लिखे थे उसके नीचे, इंसर्ट लेफ्ट उसके लेफ्ट में, इंसर्ट राइट उसके राइट में। ठीक है, डिलीट करने के लिए जो भी हुआ है, डिलीट सेल पूछ रहा है कि आप सेल कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, हमने कहा अप, ओके, डिलीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही इरेजर है और ड्रॉ टेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया कि हमें अगर टेबल बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में टेबल में रो कॉलम सेलेक्ट करके आप एक्सपैंड कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, या मैन्युअली ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ टेबल से ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई शेप कहा इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आइए, जैसे कि पिछली क्लास में हमने कमांड बताया था, ठीक है, ये हो गया। अब यही बीच में हमें कोई शेप लगाना है तो यही क्लिक कर दें, शेप में आते हैं और कोई शेप चुन लेते हैं जो लगाना है, ये वाला मान लीजिए, तो कर्सर आपका ऐसे बनेगा और ये हमने शेप लगा दिया। ये अलग अलग फॉर्मेटिंग है शेप का, देखिए जैसे शेप लगाए हमने फॉर्मेटिंग चुनी, तो अब आपका ये एरो से बता रहा है। ठीक है, पहले पैराग्राफ के बाद क्या लग गया है, शेप लग गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप इंसर्ट का चेक ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं शेप। ठीक है, शेप के बाद हम लोग क्या देख लें, शेप के बाद मान लीजिए आइकन है, तो आइकन क्लिक करेंगे, उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो नेट होगा तभी आइकन सेट हो सकता है। ठीक है, स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, जैसे आपको कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है या कहीं पे कोई चार्ट या टेबल बनानी है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया और ये अप्लाई, तो अब ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखा, हम यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसमें लिख देते हैं कि सबसे पहले आपका आता है होम टैब, फिर आपका आता है इंसर्ट टैब और फिर आपका आता है डिजाइन टैब। ठीक है, अब इसको इंटर, अब देखिए ये बन गया आपके टेबल में। ठीक है,
इसमें आप लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब ये आर्ट बन गई है, आप इसको पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप से कहा जाएगा वैसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको सिंपल वैसे ही उसी पोजीशन में छोड़ देंगे। तो हमने क्या देख लिया, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, शेप है, आइकन, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ठीक है, ये सब कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कोई भी दिक्कत हो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।